करता है लड़की का मन, इसके बारे में काफी सवाल मेरे से लोग पूछते रहते हैं। लोगों का अक्सर ये रहता है कि नहीं, हमारी पत्नी तैयार ही नहीं होती, उसकी इच्छा ही नहीं रहती है, मनाना पड़ता है। तो क्या होता है कि लड़की का जब पीरियड का टाइम रहता है ना, पीरियड्स का टाइम, तो पीरियड के एक दो दिन पहले और ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। गर्म लगता है, हॉट फ्लशेज जिसको बोलते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, मूड ठीक नहीं है, वो रिलैक्सेशन चाहती है, कंफर्ट चाहती है, और उसको सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। तो ये पीरियड आपने छोड़ देना चाहिए, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग पीरियड्स और उसके एक दो दिन पहले। तो ये 7-8 दिन का टाइम आप छोड़ देते हैं तो बाकी दिन वो तैयार हो सकती है, क्योंकि बाकी दिन फिर प्रॉब्लम नहीं है। मगर सबसे फर्टाइल डेज कौन से हैं? सबसे फर्टाइल डेज जो है कि पीरियड्स शुरू होने का दिन, पहला दिन यदि आप पकड़ लेते हैं, फर्स्ट डे, वहाँ से आप गिनो तो 10वें दिन से 17वें दिन तक ये पीरियड जो इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और वो सही माना जाता है। तो 10वें और 17वें दिन तक तो आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना ही नहीं चाहिए। हाँ, 17-18 दिन के बाद यदि आप बिना कंडोम सेक्स करते हैं तो चांसेस कम है प्रेगनेंसी के। तो 17-18 दिन के बाद फिर पीरियड्स आने तक वो एकदम ही चांस नहीं है प्रेगनेंसी के, और तो फिर विदाउट प्रोटेक्शन आप सेक्स कर सकते हैं। अभी सवाल है कि फिर मन कब करता है? तो मन उस समय है कि जब उसको मालूम है कि भाई अभी प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। तो शादी के तुरंत बाद जब बच्चे होने का समय रहता है कि बच्चे चाहिए, तब उसका मन करता है कि भाई पीरियड्स के 10वें दिन से 17वें दिन तक सबसे ज़्यादा उसका मन करता है कि नहीं, इस समय होना चाहिए ताकि मैं प्रेग्नेंट रहूँ। एक बार प्रेगनेंसी होगी, बच्चे होगी, फिर उसका मन ज़्यादा जो है वो करता है 17वें दिन से लेके 28वें दिन तक, 17 से 28वें दिन तक वो अच्छा एक पीरियड रहता है उसके लिए, कि उस समय प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है, बिना प्रोटेक्शन का भी कर सकते हैं और मूड ठीक रहता है। तो ये हो गया, पीरियड्स चालू है तब। अब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब मेनोपॉज हो जाता है, तो एक पीरियड वो ऐसा रहता है कि उसमें मेनोपॉज मतलब 45 के करीब करीब आता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पारिवारिक जवाबदारी जो है वो कम होती है, बच्चे बड़े होने के आदमी तरफ ख्याल नहीं देना पड़ता है, लाइफ सेटल जैसा लगता है, पीरियड्स ख़त्म हो गए, टेंशन नहीं है, वो हार्मोनल चेंजेस जो होते रहते वो अभी बैलेंस हो गए, तो उस समय भी उनका मन करता है क्योंकि अभी फ्रीडम है, अब टाइम है, और उस समय वो सेक्स के लिए हाँ बोलते रहती है। तो ये दोनों पीरियड जो है ये सेक्स के लिए अच्छे हैं, और तब डेफिनेटली लड़की मना नहीं करेंगे। दूसरा मुझे ये बोलना है कि लड़की मना करती इसलिए कि उसको जो समाधान चाहिए, जो क्लाइमेक्स चाहिए, जो ऑर्गेज्म चाहिए, वो मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुरुष का जो है वो शीघ्रपतन हो रहा है, शीघ्रपतन हो जाता है, उसको मजा आती नहीं है। पुरुष तो बाजू हो जाता है, उसको मजा नहीं आती, फिर बोलती है यार करके फ़ायदा भी क्या है, मुझे तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, फिर वो ना बोलती है। तो आपको ये भी देखना है कि भाई हर सेक्स में पार्टनर को ऑर्गेज्म, क्लाइमैक्स या चरम सुख मिलना चाहिए, अत्युच्च सुख समाधान जो है सेक्स का वो मिलना चाहिए, और वो आपको समझता है तो उसको पूछना चाहिए कि क्या मिल रहा है सुख, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।